आज हम N4 की चौका ईयर लिसनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड सही आंसर हम क्वेश्चन सुनने बाद निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। 男の人の席はどれですか? तो इस क्वेश्चन में कहा गया अभी तक कि जो मेल पर्सन है उसकी सीट कौन सी है, वो शायद अभी तक गलत सीट पर बैठा हुआ था। तो यहाँ पे लेडी कह रही है कि ये मेरी सीट है, एक्सक्यूज मी, एंड आपकी सीट कोई और है। तो उसने बोला मेल पर्सन ने, अच्छा ये आपकी सीट है, तो मेरी क्या साथ वाली है? उसने कहा नहीं, आपकी ये नंबर वाली सीट है क्या? 21 बान देस। जा, 1つ माए जानाई देस का? ओ, सो देस ने, 1つ माए नो मादोगा देस ने। उसने कहा अच्छा मेरी सीट है नीजू इचिबान, मतलब 21, नी मतलब 2, जू मतलब 10 एंड इची मतलब 1, वो वाली सीट है। तो लेडी ने कहा कि आपकी एक सीट आगे वाली नहीं हुई? उसने कहा हाँ राइट, आगे वाली है मादोगावा। मादोगावा मींस विंडो साइड की सीट है। तो हमारे को आंसर अब पिक्चर से देख के क्लियर हो गया है कि सही आंसर क्या है। मेल पर्सन की सीट कौन सी है? तो बहुत ही सिंपल है, जिस सीट पर है उसके आगे वाली सीट मादोगावा, मतलब विंडो साइड की सीट है। तो इसका सही ऑप्शन है 3। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 荷物をもらいに来ました。正しいやり方はどれですか? सामान लेने गए हैं, तदाशी अरिकाता, मतलब राइट तरीका कौन सा है, राइट सीक्वेंस कौन सा है जिसमें काम होगा या करना है, वो हमें ये चौकाई सुन के बताना है। स्टार्ट करते हैं। すみません。荷物を取りに来たんですが。まずこの紙に必要なことを全部書いてください。 तो मेल पर्सन ने कहा एक्सक्यूज मी, मैं सामान लेने आया था। तो लेडी ने कहा ओके, माजू मतलब सबसे पहले कामिनी पेपर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लिख दो। ओके, कायते को दसाई लिख दो। तो हमें इससे समझ आ गया कि जो फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है वो सी होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखने को बोला गया कि आप जो जो चीज़ें है वो लिख लो, इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख लो। それから、あの番号の紙を取ってください。それで番号が呼ばれたらお金を払って荷物を受け取ってください。はい、わかりました。तो यहाँ पर इस लेडी ने कहा है कि अनुबांगोनो, मतलब उस नंबर की आप जो टिकट है अपने पास रख लो, एंड जब आपको बुलाया जाएगा तब आप आके पैसे दे देना। ओके, वो काने हो हराओ, आप उस टाइम पे पैसे दे देना। तो हमारे को समझ आ गया कि सी फर्स्ट है, फिर ए है, फिर बी है। ओके, आई होप आपको भी इसी तरीके से क्लियर हो रहा होगा, एंड अगर आपको क्लियर ना हो तो कमेंट्स में क्वेश्चन जो भी अपने आप पूछ लेना, ताकि आपको डाउट्स क्लियर कर पाए। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट सीक्वेंस क्या है जिसमें चीज़ें करनी है। तो हमें पहले ही पता है कि सी है, फिर सेकंड में ए है, फिर बी है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन है राइट आंसर। तो जो राइट आंसर वो थर्ड ऑप्शन है। सो ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो लाइक करें, एंड हम आगे N4, N5, N3, N2 से रिलेटेड और वीडियोज़ लेके आते रहेंगे।